दोस्तों के साथ बैठ गया होगा। आपको तो बस हर समय डेविड से शिकायत ही रहती है। अरे क्रिसमस है, बाजार में भीड़ होगी, अभी आ जाएगा।
ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यूसुफ, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो। आपने हमेशा वही किया है जो ईश्वर की दृष्टि में उचित है, इसलिए आपको ईश्वर की असीम आशीष प्राप्त है। आप कौन हैं और आपकी इस ईश्वरीय आशीष का क्या मतलब है? यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वो पुत्र प्रसव करेंगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर की इस कृपा के योग्य नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा की है। धन्य है उनका नाम। मुझे जल्दी ही मरियम को अपने यहाँ ले आना चाहिए। हाँ, मैं अभी जाकर मरियम को अपने यहाँ ले आता हूँ। हमारे पुरखों का
का नगर बेथलेहम, बस वहीं तक तो जाना है। नहीं स्वामी, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। भाई, हम बड़ी दूर से यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या हमें रात बिताने के लिए कहीं पर थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? नगर में कई गौशालाएं हैं, अब सराय में तो कहीं रहने की जगह नहीं मिली है, इसलिए अगर तुम चाहो तो किसी एक गौशाला में आज की रात गुजार सकती हो। काश काश हमें किसी गौशाला में ही थोड़ी सी जगह मिल जाती। अवश्य बेटी, आओ यूसुफ, मैं तुम्हें एक गौशाला दिखा देता हूँ, तुम दोनों वहीं जाकर आज की रात गुजार लेना, अगर चाहो तो कल दिन में कोई दूसरी जगह खोज सकते हो। आओ मरियम, मैंने कहा था ना कि ईश्वर कुछ ना कुछ प्रबंध अवश्य करेगा। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। मसीहा ने जन्म ले लिया है? परम पावन ईश्वर के पुत्र ने
बेथलेहम की एक गोशाला में जन्म लिया है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाओ जाओ स्वयं देख लो, स्वयं देख लो। तुम तो एक बालक को चरनी में ले जा और सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे, वही वही मसीहा है। लेकिन आप इतना बड़ा अद्भुत समाचार सभी बुद्धिमानों को छोड़कर हम गरीबों को ही क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा है। क्या कहा?
मेरी जान है और मेरा विश्वास है। लाख बुराइयां हमें घेर ले, फिर भी हमें सत्य और प्रेम का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। यही संदेश है ना प्रभु यीशु का? यस माय सन, पर तुमने ये सब कहाँ सीख लिया? फिर बताऊंगा डैडी, पर अब मुझे प्रभु यीशु और उनके संदेश पर पूरा भरोसा है। दुआ के लिए देर ना हो जाए।
The world was full of hatred and anger when the Christ was born. But in spite of that, he was able to change the people's heart and filled it with peace and joy. Christmas tree is considered to be the symbol of Christ. It is decorated with various decorative items like crystal balls, artificial lights, stars, and angels are hung on the tree to indicate the joy of nativity of Jesus. The red berries and crystal represent the crown of thorns worn by the Jesus. The gifts are placed under the tree, which are opened on the Christmas. Christmas is fully enjoyed by the kids as they believe that they may get gifts from the Santa Claus. Christmas remains the most enjoyable time of the year. It is the time of the year to realize the helping poor is the noblest deed. Let us receive the blessing of Jesus as we celebrate his birthday. Thank you. Once again, wishing you a Merry Christmas. Have a cheerful day.
Yes. Oh,
many peoples believe that Christmas is purely for Christian around the world. However, this concept has been changed with the change of time. Today, everybody be a Christian or non-Christian wait for Christmas because Christmas is a full of love, happiness, gifts and blessing. Thank you. Have a thought. Father, we are enriched with your feelings, loving message of Christmas. Let us express our gratitude with a huge round of applause. On behalf of our manager, teachers and students, I extend a lot of gratitude to our sisters, especially Sister Janie and Co. Thank you, sisters, for your gracious presence. Friends, let us give a big hand to them. This year, friends, we have extend a big thanks to our dear teachers and sisters who were behind the screen preparing the students to put up a colorful and meaningful cultural programs and a crib to give the true message of Christmas. Thank you, beloved sisters and teachers, and for encouraging us. Let us give a big applause to them. Lastly, but not the least, yes, dear friends who participated in the program, you have done a wonderful performance. After a long time, our stage has been shined with bright and joy and rhythm. Thank you so much. Let us clap. Once again, thank you one and all, and praying that Jesus may shine in our life. Merry Christmas to all. Merry Christmas. Thank you.